पीनोर प्रेरिता भ्रैश्चरमखुर पुटा ग्रस्ति चैः प्रातरद्रौ आदीर्घाङ्गैरुदस्तो हरिभिरपगता सङ्गनिःशब्दचक्रः उत्तरानूरुमूर्ध्रा वनति हठभवद्विप्रदीपप्रणामः प्राह्णे श्रेयो विधत्तां सविदुरवतरं व्योमवीथीं रथो वः ध्वान्तौघध्वंसदीक्षा विधिपटु वहता प्राक्सहस्रं कराणाम् हर्यं नायोगरिं नः पदमतुलमुपानीयसाध्यासरेण नटी, ओ नटी, तनिक बाहर तो आजा, और कितना श्रृंगार करेगी, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं की जाती। आर्य, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे, नटी बात ही कुछ ऐसी है। आर्य, ऐसी कौन सी अनोखी वस्तु देख ली कि प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समा रहे हो? अरे नटी, आज मैंने एक बड़ा ही विचित्र पत्थर देखा और वो चमक रहा था ऐसे जैसे कि सारा सूर्य का प्रकाश उसके अंदर समा गया हो। पर इससे पहले कि मैं उसको स्पर्श कर पाता, एक विशाल काय शरीर वाला पुरुष उसको अपने साथ ले गया। नटी, तुझे तो सब ज्ञान है, बताना कौन था वो पुरुष? वो तो आर्य सत्राजित थे, द्वारिकापुरी के वासी आर्य सत्राजित। आर्य सत्राजित? पर वो चमकता हुआ पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ उनको? आर्य, वो कोई चमकता हुआ पत्थर नहीं था, वो तो दिव्य सम्यंतक मणि थी। सम्यंतक मणि? पर उनके पास इतनी दिव्य मणि कैसे आई? सूर्य देव की आराधना करके उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न जो किया था, प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उनको यह मणि भेंट में दी थी। अच्छा, नटी, मेरे मस्तिष्क से वो मणि निकलती ही नहीं, बताओ ना वो मणि मुझे कैसे प्राप्त होगी? आर्य, मणि प्राप्त करने का विचार भी अपने मस्तिष्क में मत लाना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा? क्या अनर्थ हो जाएगा? मुझे किसी अनर्थ वनर्थ का भय मत दिखाओ। हाँ, मैं एक योद्धा हूँ। बस बस, मेरे प्रिय योद्धा, तनिक बुद्धि को प्रयोग में लाओ। मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कह रही थी। यदि तुम्हें अपनी मृत्यु इतनी ही प्यारी है तो ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, पर बाद में मत कहना कि पहले बताया क्यों नहीं। मृत्यु? पर मणि का मृत्यु से क्या संबंध? संबंध है आर्य, यदि कोई भी अयोग्य व्यक्ति इस मणि को पाने की इच्छा करता है या उस पर अपना अधिकार जताने का प्रयास करता है, तो यह दिव्य सम्यंतक मणि
उसे मृत्यु दंड देती है। तो क्या पहले भी किसी ने मणि को प्राप्त करने का प्रयास किया था? अवश्य किया था, आर्य प्रसेनजीत ने, आर्य सत्राजित के अनुज। तो क्या हुआ उन्हें? होना क्या था, उनकी हत्या हो गई। किसने की उनकी हत्या? एक सिंह ने, और मणि भी उनसे छीन ली। तो क्या अब वह मणि सिंह के पास है? उस सिंह का भी वध हो गया। अच्छा, राम 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 राम। तो मणि का क्या हुआ? वो मणि एक रीछ के पास आ चुकी है। तो क्या अब उस रीछ का भी वध हो जाएगा? अब स्वयं ही सारे प्रश्नों के उत्तर जान लोगे या अपने दर्शकों को भी कुछ प्रश्न करने का अवसर दोगे? अब आप स्वयं ही जानिए कि उस रीछ का वध होता है या नहीं। श्री राम, प्रभु श्री राम, शक्ति दो हे प्रभु। श्री राम, प्रभु श्री राम, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मेरी आंखों पर अब तक अहंकार का पर्दा पड़ा था। मैंने जिनको अपना तन मन सब कुछ सौंप दिया, मैं उन प्रभु को पहचान ना सका? अरे जामवंत, लज्जा लज्जा आनी चाहिए तुझे अपने आप पर। अब किस प्रकार मैं अपनी भूल को सुधारूं? जामवंत, क्या सोच रहे हो? ये युद्ध मैं तुम्हारी ही एक अपूर्ण अभिलाषा को पूरा करने के लिए कर रहा था। स्मरण करो, जब त्रेता युग में लंका विजय के समय तुम्हें युद्ध भूमि में आकर युद्ध करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, तो तुमने मेरे समक्ष यह बात प्रकट की थी। तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा ये मनोरथ मैं स्वयं ही पूर्ण कर दूंगा। कुछ स्मरण हुआ? बस वही ऋण चुकाने में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अभी और युद्ध करने की इच्छा हो तो मैं प्रस्तुत हूं। और हां, इस बार तनिक संभल के। इस सेवक को और लज्जित ना करे प्रभु, मुझे तो पहले से ही अपनी इस क्रिया पर घृणा हो रही है। अब मैं किस मुख से मैं आपके चरणों में आऊं? मैं आपका सेवक हूं और सदा सर्वदा आपका ही सेवक रहूंगा। अपने सेवक की इस भूल को क्षमा करें। इस मणि को देखकर मुझे आपका स्मरण हो आया, क्योंकि ऐसी मणि तो सूर्यवंश के लोग ही धारण किया करते हैं। तो मुझे प्रतीत हुआ कि इस मणि की खोज में अवश्य ही कोई ना कोई सूर्यवंशी यहाँ आएगा, और संभव है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो जाए। परंतु जब आप मेरे समक्ष आए तो मैं आपको जान ही ना पाया। प्रभु, ये मणि आपकी ही है, इसे स्वीकार करें। अपनी भूल को सुधारने का एक अवसर अवश्य प्रदान करें प्रभु। जामवंत, त्रेता युग बीत चुका है और अब द्वापर युग चल रहा है, परंतु तुम मेरे चिंतन में इतने डूबे हुए थे कि तुम्हें इसका पता ही नहीं चला। मैं तो यहां तुम्हारे लिए ही आया हूं। तुम्हें जो उचित लगता है वही करो। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री जावंती से विवाह कर लें। आपसे उत्तम वर इसके भाग्य में हो ही नहीं सकता। कृपया मेरी पुत्री को भेंट स्वरूप स्वीकार करें। मैं तो अपने प्रियजनों का सेवक हूं, मेरी प्रसन्नता तुम्हारी प्रसन्नता में ही है, तो मैं तुम्हारी ये भेंट कैसे अस्वीकार कर सकता हूं? मैं अवश्य ही तुम्हारी पुत्री से विवाह करूंगा। जय हो प्रभु,
आपकी सदा जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए प्रभु इस ओर प्रस्थान करें और मेरे कुल संबंधियों पर कृपा दृष्टि करें। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मणि भी मिल गई और पुत्री भी। अब सब कुछ सुखपूर्वक बीतेगा। नटी आओ, अब अपने दर्शकों से विदा लेते हैं और इस नाटिका को देखने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। आर्य कहाँ? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे नटी, क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से, सब दर्शक देख रहे हैं। तो दर्शक तो देखेंगे ही ना, इसीलिए तो वो यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ। पर अब क्या है देखने को? सब कुछ सुखपूर्वक समाप्त तो हो गया। आर्य बड़े ही भोले हो तुम। जिस मणि के आते ही दो दो हत्याएं हो गईं, एक विवाह हो गया। वो मणि अभी भी वही है। अभी तो न जाने क्या क्या कराएगी ये मणि। तो क्या अभी और भी कुछ होना है? मैं तो समझा कि सब समाप्त हो गया। इतना सरल होता धन और यश की तृष्णा से बच पाना, तो ये बड़े बड़े संत महापुरुष इतना ज्ञान का भंडार न छोड़ जाते। फिर क्या हुआ नटी, बताओ ना, फिर क्या हुआ? फिर क्या, द्वारकापुरी में मंगल गीत गाए जाने लगे और विवाह का उत्सव मनाया जाने लगा। और मणि का क्या हुआ? स्वयं ही देख लो। No.
आर्य, मेरा जीवन आपको पति के रूप में पाकर पूर्ण हो गया। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि उसे आप जैसे परम प्रतापी, महाबलवान, परम उदार और तीनों लोकों को अपनी सुंदर अंगकांति से मोहित करने वाले पति प्राप्त हों। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। कृपा करके इस सेविका को सदैव अपनी सेवा में रखें। प्रिय, आपसे आप मेरी अर्धांगिनी है। आपके गले पर सुशोभित ये दिव्य पुष्पमाला इसका प्रतीक है। अब से जो कुछ मेरा है वह सब कुछ आपका है। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको इस द्वारका नगरी और संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आर्य, मैं भी आपको वचन देती हूँ कि कितनी भी विषम परिस्थितियां ही क्यों ना आ जाएं, यह जामवंत पुत्री कभी आपको निराश होने का अवसर नहीं देगी। आर्य, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या आप उसका समाधान करेंगे? अवश्य प्रिय, यदि मैं कर पाया तो अवश्य ही करूंगा। आर्य, मैंने सुना है कि द्वारिकापुरी में आपके ऊपर संदेह किया जा रहा है कि मणि के लालच में आपने सत्रजित के अनुज की हत्या कर दी। बिना प्रमाण के कोई भी कुछ भी कह सकता है, पर क्या ऐसा कहने से वह मनगढ़ंत बातें सत्य बन जाती है? कदापि नहीं। सत्रजित जी को ऐसा लगता है कि उनके अनुज की हत्या मैंने मणि के लिए की है, जो कि सत्य नहीं है, और इसका प्रमाण मेरे साथ आए हुए अन्य लोग देख चुके हैं कि प्रसेनजीत को मैंने नहीं, एक सिंह ने मारा था, और अब तक तो वे प्रसेनजीत का शव भी सत्रजित जी को दे चुके होंगे। अब तो कोई संदेह नहीं करेगा ना कि मैंने मणि के लिए प्रसेनजीत की हत्या की है। आर्य, समयंतक मणि तो अभी आपके पास ही है, कहीं उनको ऐसा न लगे कि आपको वास्तव में मणि का लालच है। आपको शीघ्र ही यह मणि उन्हें लौटा देनी चाहिए। तुम ठीक ही कहती हो प्रिय, मैं यह मणि शीघ्र ही लौटा कर आता हूँ। तब तक आप विश्राम करें। जो आज्ञा प्रभु। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्रजित जी यहां स्वयं आ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आशीर्वाद। प्रणाम वासुदेव। वासुदेव प्रणाम। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, बिना सत्य जाने ही मैंने आप पर दोष लगा दिया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, कृपया आप मेरी इस भूल को क्षमा कर दीजिए। द्वारकावासियों की दृष्टि में तो मैं पहले ही अपना स्थान खो चुका हूं, यदि आप मुझे क्षमा कर दें तो अवश्य ही द्वारकावासी भी मुझे अपना लेंगे। आर्य सत्रजित, आपने जो कुछ भी किया वो सब सूर्यदेव से प्राप्त हुई इस समयंतक मणि के मोह में आकर किया। राज्य की प्रत्येक वस्तु पर राजा का अधिकार होता है, इसीलिए मैंने आपको इस मणि को महाराज को भेंट करने का सुझाव दिया था। जब किसी भी वस्तु का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है तो उसमें आसक्ति, फिर लोभ और मोह हो जाता है, परंतु अब आपको अपनी भूल का ज्ञान हो चुका है। मुझे विश्वास है कि अब आप मणि को अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जन सेवा में उपयोग करेंगे। अवश्य वासुदेव, अब मैं दोबारा ऐसी भूल नहीं करूंगा। कृष्ण रुक जाओ,
हमें एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए कि वास्तव में सत्राजित इस मणि को प्राप्त करने का अधिकारी है भी या नहीं। केवल कह देने से कि मैं दोबारा ऐसी भूल नहीं करूंगा, इस बात की संभावना कम नहीं हो जाती कि फिर से ऐसा नहीं होगा। मेरे विचार से अक्रूर जी ठीक ही कह रहे हैं। मणि सत्राजित को देने का अर्थ है इन्हें दोबारा भूल करने का अवसर देना। और वासुदेव, आपने ही तो अभी कहा कि यह मणि राज्य की संपत्ति है और इस पर राजा का अधिकार है, फिर भी आप यह मणि इन्हें वापस कर रहे हैं। यदि अपराधी को उसकी भूल से सीखने का अवसर ना दिया जाए तो यह कहां का न्याय है? ऐसा करने से तो हम उसे केवल और केवल दंड दे रहे हैं। इससे उसका अपराध तो कट जाएगा, परंतु उसके अपराध करने की वृत्ति का क्या होगा? क्या वह भी समाप्त हो जाएगी? इसीलिए अपराधी छोटा हो या बड़ा, उसे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर तो दिया ही जाना चाहिए। काका कृष्ण उचित कह रहा है, हमें निर्णय लेते समय थोड़ा उदार बने रहना चाहिए, अन्यथा हमारे निर्णय से दोषी को अपने चरित्र को सुधारने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। और कृष्ण के निर्णय पर संशय करने का तो विचार भी मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए। प्रणाम दाऊ भैया, आप उचित कह रहे हैं, हमें वासुदेव के निर्णय पर संशय नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आप चाहें तो मैं आर्य सत्रजीत के महल में जाकर मणि की देखरेख करता रहूंगा। कृष्ण, बलराम, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, मणि हम सत्रजीत को वापस कर देते हैं। वासुदेव, मैं ये मणि रखकर पहले ही एक अपराधी बन गया हूं, अब दोबारा मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। इस मणि ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इस मणि को मुझसे दूर रखें, ना जाने ये मणि आगे क्या क्या करवाएगी। आर्य सत्रजित, यदि आप इस मणि को अपने इष्ट के प्रसाद के रूप में रखेंगे और इसकी उचित सेवा पूजा करेंगे तो आप इसके दोषों से बच जाएंगे, अतः आप बिना चिंता करे इसे स्वीकार करें। आर्य, यदि आप कृष्ण की आज्ञा को अस्वीकार कर देंगे तो आपको अधिक दोष लगेगा, इसलिए उचित यही होगा कि आप इसे शीघ्र ही स्वीकार कर लें। जो आज्ञा बलराम। अरे तनिक ठहरिए काकाश्री, इतनी भी क्या शीघ्रता है? तात्पर्य? अब आप प्रत्येक बात का तात्पर्य मत ढूंढा कीजिए। कुछ बातें सामान्य ज्ञान वर्धन के लिए भी होती हैं। अब मैं जितना आर्य सत्राजीत को जानता हूं, इनकी एक पुत्री है और उनका नाम सत्यभामा है। असाधारण सौंदर्य की धनी है वे, स्वर्ग की अप्सराएं भी उनके यौवन को देखकर असहज हो जाती हैं। क्या आप इस विषय में कुछ जानते हैं? नहीं जानते ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा अपना सामान्य ज्ञान भी बढ़ा लीजिए। वरिष्ठ मंत्री हैं आप द्वारकापुरी के। मेरे सामान्य ज्ञान मेरे लिए पर्याप्त हैं और तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब व्यर्थ की बातें बनाना बंद करो और चलो यहां से, सैन्य बल का निरीक्षण भी करना है। नटी, वासुदेव ने ये क्या किया? सम्यंतक मणि फिर से उसी सत्राजित को दे दी। ये सत्राजित तो मुझे कोई ढोंगी लगता है, ऊपर से आंसू गिरा रहे थे और मन ही मन प्रसन्नता के लड्डू फूट रहे थे। बिना जाने बिना समझे कुछ भी कहे जा रहे हो, याद रहे, कहीं पछताना ना पड़े अपने इन वाक्यों के लिए। पछताना पड़े?
पछताना क्यों पड़े? केवल मुख देखकर अंदर क्या चल रहा है सब ताड़ लेता हूँ मैं। अच्छा, तब तो तुम सबकी सब बात जानते हो, पर तुमने कभी बताया नहीं इस विषय में। अब अपनी प्रशंसा स्वयं करना अच्छा नहीं लगता ना, वरना तो पूरा दिन और पूरी रात बीत जाएगी परंतु प्रशंसा समाप्त ही नहीं होगी। अच्छा, तो मेरा मुख देखकर बताओ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। आज कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज मुझे ज्वर है। देखो देखो, मुझे ज्वर है क्या? पता नहीं क्या हुआ है। नटी, कभी और इस विषय पर बात करेंगे। आर्य, अब तुम कहोगे कि ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। हाँ। और थोड़ा पेट भी गड़बड़ होगा ना। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वैसे ही जैसे तुम्हें मुख देखकर पता चल जाता है, वैसे ही मुझे भी पता चल जाता है। और मुझे पता है कि तुम नौटंकी कर रहे हो। नटी, मैं तो बस क्रीड़ा कर रहा था तुम्हारे साथ, तुमने तो इसे सच ही मान लिया। अच्छा ये बताओ, फिर क्या हुआ? सत्राजित ने क्या किया उस मणि का? बेचारे सत्राजित तो पहले से ही बहुत दुखी थे और अब तो वो मणि उनके लिए एक चिंता का विषय बन गई थी। अब तो वो बस यही सोचते रहते कि कैसे अपनी भूल का पश्चाताप किया जाए। नगरवासियों, हमारी प्रभातकाल आराधना पूर्ण हो चुकी है। हम स्वर्ण दान देने के लिए प्रस्तुत हैं। आप निसंकोच यहां आकर स्वर्ण दान प्राप्त कर सकते हैं। नगरवासियों, हमारी प्रभातकाल आराधना पूर्ण हो चुकी है। हम स्वर्ण दान देने के लिए प्रस्तुत हैं। कोई भी जन बिना संकोच यहां आ सकते हैं। नगरवासियों, पिताश्री, जब से वासुदेव ने यह मणि आपको प्रदान की है, तब से आप नित्य आराधना के बाद दान देने के लिए उपस्थित तो होते हैं, परंतु कोई भी दान लेने के लिए आता ही नहीं। ऐसा क्यों पिताश्री? पुत्री, तुम्हारे दुर्भाग्यशाली पिता की मति जो मारी गई थी, मैंने मणि के लालच में आकर वासुदेव पे संदेह किया और एक भयंकर आरोप लगा दिया। इस कारण नगरवासियों ने मेरी उपेक्षा कर दी है। अब तो हमें इस प्रकार के उपेक्षित जीवन जीने का अभ्यास डाल ही लेना चाहिए। पिताश्री, आप इस प्रकार निराश ना हो, अपनी भूल को सुधारने का एक अवसर तो ईश्वर अवश्य ही सबको देते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समस्या का भी कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही निकल आएगा। पुत्री, परंतु मैं किस किस के पास जाऊं और कितने लोगों से क्षमा मांगूं? पूरा नगर मुझे अपराधी मानता है। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस सच्चे हृदय से वासुदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। सुना है कि उनसे कुछ भी छुप नहीं सकता, वे तो हृदय की हर बात जान जाते हैं। ठीक कहा पुत्री, मैं कुछ विचार करता हूँ, अवश्य ही ईश्वर मुझे कुछ प्रेरणा देंगे। पिताश्री,
जब तक आप विचार कर रहे हैं तब तक मैं बगीचे से पूजा के लिए कुछ पुष्प चुन लाती हूँ। परंतु अधिक विलंब मत करना। मैं ईश्वर का जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है कि मुझे इतनी सदाचारी, आज्ञाकारी और उत्तम गुणों से संपन्न पुत्री का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यदि सत्यभामा का विवाह किसी प्रकार वासुदेव के साथ हो जाए तो मैं जो भी वस्तु उन्हें भेंट में दूंगा उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, और इस तरह सत्यभामा को उत्तम वर की प्राप्ति हो जाएगी और सम्यंतक मणि को भी उसका योग्य स्थान प्राप्त हो जाएगा। पर क्या वासुदेव मेरी पुत्री के साथ विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? उनको तो किसी को ना कहना आता ही नहीं है, वे तो सबकी यथा योग्य सहायता करते हैं, तो मेरे ऊपर भी वे अवश्य ही दया करेंगे। मुझे शीघ्र ही वासुदेव के महल को प्रस्थान करना चाहिए। अरे नटी, आर्य सत्राजित तो बड़े ही बुद्धिमान निकले, मैं तो व्यर्थ ही उन पर संदेह कर रहा था। पर क्या वासुदेव सत्यभामा जी से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? करेंगे कैसे नहीं, यदि प्रेम से उन्हें कुछ भी अर्पण करोगे तो वे सब कुछ स्वीकार करेंगे। याद है वो शबरी के बेर और वो सुदामा के चावल? हाँ हाँ याद है। हाँ तो अब सब बढ़िया हो जाएगा। अरे अरे इतना उतावलापन ठीक नहीं, सत्यभामा जी को तो स्वीकार करेंगे पर क्या वे सम्यंतक मणि को भी स्वीकार करेंगे? तो क्या वासुदेव मणि को स्वीकार नहीं करेंगे? बताओ ना, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। वासुदेव दर्शन दे, मुझे दर्शन दे। स्वयं देख लो, अब तो सत्राजित वासुदेव के सामने उपस्थित हो ही गए हैं। वासुदेव, वासुदेव दर्शन दे, मुझे दर्शन दे। वासुदेव, वासुदेव, हे वासुदेव, मेरी विनती सुने, मुझ पे कृपा करें। आर्य सत्राजित, आप यहाँ इस समय अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन आपको यहाँ लाया है। आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं वासुदेव, जिस प्रयोजन से आपने मुझे ये मणि दी थी और जिस प्रयोजन से मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ आप सब जानते हैं। परंतु पहले आप वचन दें कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। आर्य, बिना प्रयोजन बताए ही वचन मांग रहे हैं, यद्यपि ऐसा करना बुद्धिमान पुरुष को शोभा नहीं देता, फिर भी मैं आपको वचन देता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा। वासुदेव, मेरे जीवन में मेरी पुत्री के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। बहुत समय से मैं अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की खोज कर रहा हूं, परंतु अभी तक मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई है। क्या पूरी पृथ्वी पर आपके समान कोई और है जिसे मैं अपनी पुत्री का विवाह करा सकूं? आर्य सत्राजित, यदि आपका विचार ऐसा है तो आपको ऐसा वर मिलना असंभव ही है, क्योंकि मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता और मैं तो विवाहित हूं। यद्यपि आप विवाहित हैं परंतु आपकी ऐसी तो कोई प्रतिज्ञा नहीं कि आप एक से अधिक विवाह नहीं करेंगे, तो आप कृपा करके मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। आर्य, यदि आप निश्चय कर ही चुके हैं कि अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ ही करेंगे तो ठीक है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं अवश्य ही आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। अति उत्तम, अति उत्तम। वासुदेव, आपने यह विनती स्वीकार करके मेरे हृदय का कितना बड़ा भार उतार दिया मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता। अब बस ये छोटा सा उपहार भी स्वीकार कर लीजिए।
पर यह किस लिए आ रहे? मेरी इच्छा है कि विवाह के शुभ अवसर पर आप इस सम्यंतक मणि को धारण करें। पुत्री सत्यभामा ही मेरे जीवन का बहुमूल्य रत्न है। इसके अतिरिक्त मेरे जीवन में कुछ नहीं है। और अब सत्यभामा आपकी होने जा रही है, तो जो कुछ भी मेरा है वह सब अब से आप दोनों का हो गया। तो इस मणि को मैं अपने साथ रखकर क्या करूंगा? आर्य, आपने सत्य कहा। जो कुछ भी आपका है वह सब अब हमारा ही है। तो फिर यह मणि आपके पास रहे या हमारे, दोनों ही अवस्थाओं में वो रहेगी तो हमारे ही। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मणि को आप ही रखें और विधिवत इसकी पूजा आराधना करते रहें। यह मणि सदैव आपको सूर्यदेव के साथ अपनी मित्रता का स्मरण कराती रहेगी। वासुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं तो यहां इस आशा से आया था कि अब इस मणि से मेरा पीछा छूट जाएगा। मैं स्वार्थी बन गया था और भूल गया था कि यह मणि मेरी और सूर्यदेव की मित्रता का प्रतीक है। परंतु अब मैं प्रण लेता हूं कि संपूर्ण जीवन भर मैं सच्चे हृदय से इस मणि की पूजा आराधना करता रहूंगा। अब मुझे आज्ञा दें, विवाह उत्सव की तैयारियां भी करनी है। उत्सव निकल जाओ सब यहां से, आज कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। आज मेरा लहू खौल रहा है। आज जो भी मेरे सामने आने का दुस्साहस करेगा वो अपनी अंतिम श्वास लेगा। जिस क्षण की मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी उसे मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। सत्यभामा को तो मैं नहीं पा सका, पर अब संसार की कोई भी शक्ति मुझे सम्यंतक मणि को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। आर्य श्रद्धन्वा, अपने आप पर नियंत्रण रखो
इस तरह क्रोध करने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप शांत रहिए ना ज्ञान, अब किसी और को बांटिए। मुझे आपके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मैंने आपकी बात नहीं मानी होती तो आज मेरा विवाह होता सत्यभामा के साथ, ना कि वासुदेव का, और वो मणि भी मुझे ही बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती। परंतु आपके कारण, केवल और केवल आपके कारण मैं सब कुछ खो चुका हूँ। आप ही दोषी हैं इस सब के। शतधन्वा, शांत हो जाओ। यदि ये सब यहाँ किसी ने सुन लिया तो हम दोनों के लिए कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। मैं किसी परिस्थिति से नहीं घबराता, किसी का भय नहीं है मुझे। मेरी भुजाओं में इतनी शक्ति है कि अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। और यदि आपको किसी का भय है तो प्रस्थान कीजिए यहाँ से। शतधन्वा, स्मरण करो, उस दिन सभा में तुमने आर्य सत्राजित का समर्थन नहीं किया था। तुम मणि उनको देने के लिए सहमत नहीं थे। ऐसे में क्या सत्राजित सत्यभामा का विवाह तुमसे करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते? कदापि नहीं। और वैसे भी तुम्हारा लक्ष्य तो सम्यंतक मणि है, ना कि सत्यभामा। तो अच्छा होगा कि स्वयं पर नियंत्रण रखो और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। अब यदि और समय व्यर्थ किया तो मणि भी हाथ से निकल जाएगी। तो अब कोई युक्ति है आपके पास, या मुझे स्वयं ही कोई युक्ति खोजनी पड़ेगी? अवश्य है, परंतु स्मरण रहे, यदि तनिक भी त्रुटि हुई तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। अवश्य ही, ये अवसर मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। प्रणिपात। आशीर्वाद। कौन है, कौन है? अधर्मी तुम? नटी, ये तो आर्य सत्राजित है। किसी ने इनका वध कर दिया है और सम्यंतक मणि भी चुरा ली। और किसी ने नहीं, उसी शतधन्वा ने किया है ये। अब क्या होगा? सुना है वासुदेव और दाऊ दोनों ही द्वारिकापुरी में नहीं है। अब क्या? अब तो भयंकर परिणाम होगा इसका। सम्यंतक मणि को छुपा कर रखना तो असंभव है। उसे तो वासुदेव अवश्य ही खोज लेंगे। परंतु मुझे चिंता तो प्रिय सत्यभामा जी की है। जब उनको यह समाचार प्राप्त होगा तो उन पर क्या बीतेगी? अब तक तो पूरी द्वारिकापुरी में यह बात फैल चुकी है कि सम्यंतक मणि के लिए आर्य सत्राजित की हत्या हो चुकी है। सत्यभामा जी किसी भी समय यहाँ पहुँचती होंगी। सत्य कहा, प्रतीत होता है वो द्वार पर ही है। चलो प्रस्थान करें। पिताश्री लौट कर नहीं आएंगे। कैसे संभालो जी, कैसे संभालो?
तक मुझे संभाला, वो तो आज स्वयं ही काल की गोद में सोए हुए हैं, जिन्होंने मुझे पग पग पर अच्छे और बुरे का भेद दिखलाया, धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाया, प्रत्येक स्थिति में सम रहना सिखाया, वो आज यूं मौन पड़े हुए हैं। अब मुझे कौन संभालेगा जीजी, कौन संभालेगा जीजी? पिताश्री सत्यभामा, परिवर्तन तो संसार का नियम है। हमारे जीवन का बीता हुआ प्रत्येक क्षण हमें यही सीख देकर जाता है कि संसार प्रत्येक क्षण बदल रहा है। इस संसार के प्रत्येक वस्तु बदल रही है। अस्थि, रक्त, मांस, मल और मूत्र से बना यह देह भी प्रत्येक क्षण बदल रहा है, और देह के अंत होने पर आत्मा, जो कि सच्चिदानंद भगवान का अंश है, एक देह को छोड़कर उसी के द्वारा निर्मित दूसरे देह में प्रस्थान कर जाता है। एक दिन हम सबको भी यह देह छोड़कर जाना होगा, यही सत्य है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कामारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र ना मोहयति। और तुमको तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे पिताश्री एक धर्मनिष्ठ पुरुष थे, उनके जीवन में धर्म का स्थान अन्य सबसे ऊपर था। जीवन के अंत तक कभी उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया और सच्चे हृदय से ईश्वर भक्ति की। अवश्य ही परमात्मा उनको एक उत्तम पद प्रदान करेंगे। जी, जिसने भी मेरे पिता की निर्मम हत्या की है, वो इस पृथ्वी पर कहीं भी हो, अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। जी, मुझे शीघ्र ही हस्तिनापुर प्रस्थान की आज्ञा दें। मैं स्वयं जाकर वासुदेव को सूचित करूंगी, और आप यहाँ पिताश्री का शरीर द्रव्य में रखवाने का प्रबंध कीजिए। मुझे विश्वास है कि पिताश्री की चिता की राख ठंडी होने से पूर्व ही वासुदेव उस हत्यारे को अवश्य दंड देंगे। मुझे आज्ञा दें जीजी, मुझे आज्ञा दें। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बहन, तुम तनिक संभल कर जाना। मैं तुम्हारे साथ कुछ कुशल सैनिकों को भी भेज देती हूँ। आप चिंता ना करें जीजी। आज मेरे अंदर ज्वालामुखी धधक रहा है। यदि कोई मुझे स्पर्श करने का प्रयत्न भी करेगा तो वह स्वयं ही राख हो जाएगा। मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। मंगल हो। सत्यभामा, अपना ध्यान रखना। हे ईश्वर, सत्यभामा की रक्षा करना, कहीं वो क्रोध में आकर कुछ अनिष्ट ना कर बैठे। नटी, सत्यभामा जी तो तीन प्रहर में ही हस्तिनापुर पहुंच गई। उनको देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात माँ भवानी सिंह पर सवार होकर किसी असुर का वध करने निकली हो, पर शत धनवा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। जब गीदड़ की मृत्यु आती है तो वह नगर की ओर भागता है। कायर शत धनवा नगर छोड़कर जंगल की ओर भाग रहा है, परंतु वासुदेव से बचकर कहां तक भाग पाएगा? मूर्ख, ये भी नहीं जानता कि इसके बचने का केवल एक ही मार्ग था, वासुदेव और सत्यभामा के चरणों में आत्मसमर्पण।
वो भी हाथ से निकल गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखा आर्य, व्यक्ति का अधर्म उसे खोखला, दुर्बल और तेज हीन कर देता है। एक समय था कि शतधनवा को अपने बाहुबल और पराक्रम पर घमंड था, और आज कैसे कायरों की भांति छुप छुप कर भाग रहा है। अब देखो इसकी कैसी दुर्गति होती है। कहां छुपा बैठा है ये अधर्मी शतधनवा? ये धूर्त द्वारका नगरी में रहने के कदापि योग्य नहीं है। ये तो साहस करने से पहले इसकी भुजाएं नहीं कांपी? क्या इसको इसकी मृत्यु का तनिक भी भय नहीं रहा, जो इसने आर्य सत्राजित की निर्ममता से हत्या कर दी? दाऊ, जब नेत्रों पर काम और क्रोध की पट्टी पड़ी हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, और ऐसे में केवल एक ही मार्ग रह जाता है, स्वयं के विनाश का मार्ग। दाऊ, वो देखो, अधर्मी शतधनवा कैसे कायरों की भांति भाग रहा है। आज इसका वध होकर ही रहेगा। दाऊ, आप पर्वत की ओर से आगे बढ़िए और मैं इसे जंगल की ओर से घेरता हूं। ठीक है कृष्ण, पर स्मरण रहे सम्यंतक मणि भी इसी के पास है, तो इसका वध करने से पूर्व वो सम्यंतक मणि इससे अवश्य छीन लेना। जी दाऊ। और कहां तक भागोगे अधर्मी शतधनवा? यदि आज स्वयं यमराज भी तुम्हारी रक्षा को आ जाएं, तो वो भी आज तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। यदि वंशियों के मस्तक पर लगा हुआ एक कलंक हो तुम, और इस कलंक का तर्पण आज तुम्हारे रक्त से ही होगा। मुझे क्षमा कर दो वासुदेव। मुझे क्षमा कर दो वासुदेव, मुझे क्षमा कर दो। मैं वहां आर्य सत्राजीत की हत्या के उद्देश्य से नहीं गया था, मुझे तो बस मणि प्राप्त करने की अभिलाषा थी, और मैंने मणि प्राप्त भी कर ली थी, परंतु अचानक सत्राजीत ने मुझे मणि ले जाते हुए देख लिया और जोर जोर से आसपास के लोगों को पुकारने लगे, तो मुझे स्वयं की रक्षा करने का एक ही बात सोचा, और मैंने उन्हें गला घोट के मार दिया। पर मेरा उन्हें मारने का तनिक भी उद्देश्य नहीं था वासुदेव। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो वासुदेव। मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूँ वासुदेव, समर्पण करता हूँ। पापी शतधनवा को यही गति मिलनी चाहिए थी। कृष्ण, मणि प्राप्त हो गई? नहीं दाऊ, मणि तो प्राप्त नहीं हुई, परंतु शतधनवा को सदगति अवश्य ही प्राप्त हो गई। तो क्या तुमने इससे मणि प्राप्त नहीं की? आप स्वयं ही देख लीजिए दाऊ। दाऊ, मणि जिसके योग्य थी उसको मिल गई। आप चिंतित ना हो। चिंतित ना हो? कैसे चिंतित ना हो? इस मणि के लिए ही शतधनवा ने आर्य सत्राजित का वध कर डाला, तो मणि तो इसी के पास होनी चाहिए थी ना। और तुम दोनों के अतिरिक्त और कोई तो यहाँ आया नहीं, तो फिर मणि गई तो गई कहाँ? दाऊ, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, अपराधी को दंड मिल गया, अब मणि जिसके भाग्य में होगी उसे मिल जाएगी।
आप चलिए, अब हम वापस चलते हैं। सत्यभामा को सांत्वना भी तो देनी है। तुम चलो कृष्ण, मैं कुछ समय उपरांत आऊंगा। जैसी आपकी इच्छा दाऊ, मैं द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करता हूँ। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा दाऊ। शत धनवा ही मणि को चुरा कर लाया था और यहां सबसे पहले वो कृष्ण से ही मिला और अब उसके पास मणि नहीं है तो क्या मणि कृष्ण के पास है? और यदि मणि कृष्ण के पास है तो मेरे पूछने पर भी कृष्ण ने मुझे यह बताया क्यों नहीं? क्या कृष्ण मुझसे कुछ छुपा रहा है? कहीं उसके मन में भी मणि के लिए लालच तो नहीं आ गया? हो ना हो, कुछ तो है जो कृष्ण मुझसे छुपा रहा है। नटी, ओ नटी, ये प्रसंग तो और उलझता जा रहा है। अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक मणि के लिए और कितने लोग अपने प्राणों की बाजी लगाएंगे? आर्य, ये मणि कोई साधारण मणि नहीं है। प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण प्रकट होता है इससे। तो क्या मणि वासुदेव ने स्वयं ही रख ली है? दाऊ का संदेह तो उचित ही है और दाऊ कभी असत्य भाषण नहीं कर सकते। पर दाऊ तो विचार कर रहे हैं, भाषण तो तुम कर रहे हो। नटी, अब और पहेलियां मत बुझाओ। मेरे हृदय की गति तेजी से बढ़ रही है। शीघ्र ही बताओ ना, किसके पास है सम्यंतक मणि? तो तैयार हो जाओ इस प्रसंग के अंतिम चरण में प्रवेश करने के लिए। स्वामी, अब तो 4 माह से भी अधिक बीत चुके हैं, दाऊ भैया को द्वारिका नगरी की तनिक भी याद नहीं आई और कोई सूचना भी नहीं भेजी कि कब तक नगर पधारेंगे। स्वामी, क्या दाऊ भैया मणि की खोज तो नहीं कर रहे? यदि ऐसा है तो आप शीघ्र ही उन्हें संदेश भिजवाइए कि हमें मणि की कोई आवश्यकता नहीं है, वे व्यर्थ ही चिंतित ना हो। प्रिय जामवंती, प्रिय सत्यभामा, दाऊ मणि को नहीं खोज रहे, उनका संदेह तो मुझ पर है। और हो भी क्यों ना, अंतिम समय में शत धनवा के साथ मैं ही तो था। परंतु आप दोनों निश्चिंत हो जाइए, मैंने दाऊ को संदेश भिजवा दिया है, वे किसी भी क्षण यहाँ पहुँचते ही होंगे। प्रणाम दाऊ भैया। प्रणाम दाऊ भैया। सौभाग्यवती भव। दाऊ, द्वारका नगरी आपका स्वागत करती है। आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके यहाँ की धरा मानो पुनर्जीवित हो गई हो। दाऊ, आपकी अनुपस्थिति में मेरा यहाँ तनिक भी मन नहीं लगता था। कृष्ण, तुमसे अधिक समय तक दूर कैसे रहा जा सकता है? तुम्हारा पत्र पढ़कर मैं अधिक समय तक स्वयं को रोक ना सका, परंतु मणि का विचार मेरे मस्तिष्क से जाता ही नहीं। अब तुम ही बताओ कि यदि मणि तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास है? दाऊ, मैंने आपसे कहा था ना कि मणि किसी योग्य व्यक्ति के पास है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो काकाश्री से आप स्वयं पूछ लीजिए। मैं सत्य कह रहा हूं ना काकाश्री? कृष्ण, यदि तुम कहते हो तो सत्य ही होगा। कौन है वो योग्य व्यक्ति? अब इस भेद को खोल भी दो कृष्ण। उचित होगा यदि वे स्वयं ही इस भेद को खोल दें। क्यों काकाश्री, उचित ही होगा ना? हाँ हाँ, उचित होगा। तो अब आप स्वयं ये भेद उजागर करेंगे या मैं करूं? मैं ही वो कपटी व्यक्ति हूं जिसने इतने समय से मणि को छुपाए रखा। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी जो धूर्त शत धनवा की बातों में आ गया।
मेरे ही सुझाव पर वह मणि चुराने गया था, पर मैंने उसे सचेत किया, क्रोध में आकर कुछ अनिष्ट ना कर बैठना, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और आर्य सत्राजित की हत्या कर दी। जब उसने मेरे पास आकर ये समाचार दिया तो मैं घबरा गया और उसे द्वारका से भाग जाने को कह दिया, पर जाते जाते वो मणि मेरे पास छोड़ गया। मुझे भय था कि यदि ये बात मैंने किसी को बताई तो सब मुझे ही सत्राजित की हत्या का दोषी समझेंगे, तो मैंने ये बात किसी को भी ज्ञात नहीं होने दी। मैं अपराधी हूँ कृष्ण, मैंने अपराध किया है और मुझे इसका दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। काकाश्री, आपने मणि को इतने समय तक कैसे छुपा कर रखा? सम्यंतक मणि तो प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण प्रकट करती है, उसे छुपा कर रखना तो असंभव है, और स्वर्ण तो अमंगल का प्रतीक है, तो आप इस अमंगल से अब तक कैसे बचे रहे? मैं बताता हूँ दाऊ, मणि से उत्पन्न स्वर्ण को काकाश्री ने कभी भी भोग की दृष्टि से नहीं देखा। वे उस स्वर्ण से प्रतिदिन यज्ञ सामग्री जैसे यज्ञ कुंड, थाल, मटके इत्यादि बनवाते थे और फिर उसे दान कर देते थे या कहीं दूर दिशा में छोड़ आते थे। ऐसा करने से इन्हें मणि से उत्पन्न स्वर्ण का दोष भी नहीं लगा और मणि भी छिपी रही। क्यों काकाश्री, सत्य ही है ना? हाँ पुत्र, यही सही है। दाऊ, मैंने कहा था ना कि मणि किसी योग्य व्यक्ति के पास है, पर मुझे मेरे अपराध और इस मणि के ऋण से मुक्त करो। मैं इस अपराध से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे इस आत्मग्लानी से मुक्ति दो। आपका अपराध अवश्य ही दंडनीय है और आपका दंड यही है कि आप इस मणि को सदा अपने पास रखकर इसकी आराधना करते रहेंगे और इससे उत्पन्न स्वर्ण से सदैव यज्ञ करते रहेंगे। उत्तम, अति उत्तम काकाश्री, यही आपके लिए उचित न्याय है। आपसे अधिक योग्य व्यक्ति और कौन हो सकता है इस मणि के लिए? तो यही आपकी मुक्ति है और यही आपका दंड भी। किसी भी व्यक्ति पर संदेह करने से पूर्व उसके कर्म करने की मंशा को पहचानना अति आवश्यक होता है। कर्म अच्छा है या बुरा, यह कर्म पर नहीं कर्म करने की मंशा पर निर्भर करता है, और सफल भी वही होता है जो जीवन में उचित निर्णय लेता है। और क्योंकि बिना धर्म परायण बने उचित निर्णय लेना संभव नहीं, तो सफल भी वही होता है जो धर्म परायण होता है।